A warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. Welcome to the new lecture of Riemann integration, real analysis ke. Riemann integration ke kuch videos hum pehle kar chuke hain, jisme hum lower sum, upper sum se lekar ke lower Riemann integration, upper Riemann integration, us pe based numericals bhi main aapko kara chuka hun. Theorems humne kaafi kar liye hain. To aaj ka jo real analysis ka नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, वो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है. ये वीडियो बेस्ड है डायरबॉक्स थ्योरम पे. डायरबॉक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले वो देखते हैं, और उसके बाद इसके प्रूफ में आएंगे. अब डायरबॉक्स थ्योरम के प्रूफ को करने से पहले आपको इसके पहले के वीडियोज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपर सम, लोअर सम, इन्फीमम, सुप्रीमम, अपर रिमेन इंटीग्रेशन, लोअर रिमेन इंटीग्रेशन, पार्टीशन, रिफाइनमेंट और जो थ्योरम्स मैंने कराई थी, वो सारे कंसेप्ट्स, सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होने जा रही हैं. डेफिनेशन से लेकर के थ्योरम्स हम एक एक करके इसमें वन बाय वन अप्लाई भी करेंगे. पहले स्टेटमेंट देखते हैं डायरबॉक्स थ्योरम का क्या है. इफ़ एफ कोई भी एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी से रियल नंबर में क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, तो पहले तो इस लाइन का रिजल्ट निकालते हैं. नीचे की लाइंस बाद में पढ़ेंगे, पहले इतने का मीनिंग देखते हैं और उसको लिख भी लेते हैं साथ ही साथ. प्रूफ क्या है, लेट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी टू आर इज अ बाउंडेड फंक्शन. अगर ये बाउंडेड फंक्शन है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच दैट द मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के. इसको ध्यान से समझिए आप. कोई भी फंक्शन बाउंडेड होने का क्या मतलब है, कि वो फंक्शन बाउंड होने का मतलब यह है कि उसकी कोई ना कोई इन्फीमम वैल्यू रहेगी और कोई ना कोई सुप्रीमम वैल्यू रहेगी. काफ़ी डिटेल में पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ. तो इसका मतलब यह है कि कोई ये जो फंक्शन है इसकी कोई ना कोई सबसे बड़ी वैल्यू रही होगी और कोई ना कोई सबसे छोटी वैल्यू रहेगी, और ये फंक्शन जो है इसके और इसके बीच में सारी वैल्यूज इस फंक्शन की आएंगी. यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस फंक्शन की वैल्यू के से बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बाउंडेड है तो किसी न किसी वैल्यू से ये छोटा आएगा. तो एक चीज़ तो ये क्लियर है कि फंक्शन की कोई भी वैल्यू इस क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, इसके बीच में कोई भी वैल्यू फंक्शन की अगर आप निकालोगे, किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे, तो वो वैल्यू फंक्शन की के से बड़ी नहीं आने वाली है. क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, ये आपको दिया हुआ है. अब आगे चलते हैं, ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग है. इसको ध्यान में लेकर हुए आपको प्रूफ में भी इसका काफ़ी जगह यूज़ करना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे भी यूज़ करेंगे. Then for each epsilon greater than zero, there exists a delta greater than zero, such that the upper sum of the function f in the partition P is less than the upper integration of fx plus epsilon. आपको ये प्रूफ करना है कि जो अपर सम होगा P पार्टीशन पे उस फंक्शन का, वो छोटा होगा उसके अपर इंटीग्रेशन प्लस एक छोटी सी क्वान्टिटी epsilon. और लोअर इंटीग्रेशन क्या होगा, वो बड़ा होगा किससे, सॉरी लोअर सम जो है वो लोअर इंटीग्रेशन माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा. तो इसमें एक पार्ट में आपको करा रहा हूँ फर्स्ट वाला पार्ट, उसी तरीके से आप सेकंड वाला पार्ट भी इसका कर सकते हो. इसके साथ साथ ये दिया हुआ है कि इसका जो पार्टीशन आप ले रहे हो, उस पार्टीशन पी का जो नॉर्म है, नॉर्म बताया था आपको पहले के वीडियोज़ में, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप पुराने वीडियोज़ देखें, तभी आपको ये थ्योरम समझ में आने वाली है. नॉर्म क्या होती थी, एक क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी हमने लिया था, इसके हमने क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के कुछ छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया था, और ये जो सब इंटरवल्स बने थे इनका जो कलेक्शन था उसी को हमने क्या बोला था, पार्टीशन बोला था. तो ये पार्टीशन में जो ये इंटरवल की लेंथ आ रही है, इसमें जो सबसे बड़ी लेंथ होती है, उसी सबसे बड़ी लेंथ को हम क्या बोलते थे, नॉर्म बोलते थे. तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो पार्टीशन है उसकी नॉर्म जो है वो डेल से क्या है, छोटी है, यानी कि
पार्टीशन कोई भी आप बनाओगे तो उसमें जो सब इंटरवल, ये छोटे छोटे सब इंटरवल बनेंगे, उनमें कोई भी सब इंटरवल ऐसा नहीं होगा जिसकी लेंथ डेल से बड़ी होगी। सारी लेंथ क्या होंगी? डेल से छोटी होंगी। इस पी पार्टीशन में ये सारी कंडीशंस आपको इसमें दी हुई है। तो ये पहला वाला पार्ट हम इसमें प्रूव करने जा रहे हैं। थ्योरम, आई थिंक आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। प्रूफ में आते हैं हम। देखो, सिंस एफ इज अ बाउंडेड फंक्शन, देयर फोर देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच दैट द मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। अब डेफिनेशन में आते हैं। बाय डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा था कि जो अपर इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स डी एक्स, इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी पहले के वीडियोज में, क्या थी वो? इन्फीमम ऑफ यू पी एफ, ये था। और पी क्या है? उसका एक पार्टीशन है। इन्फीमम का क्या मतलब था? इन्फीमम का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जितने यू पी एफ आपने निकाले थे, अपर सम निकाले थे, उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो आ रही थी या जो इन्फीमम वैल्यू आ रही थी, उसी को हमने क्या बोला था? अपर इंटीग्रेशन। तो इस अपर इंटीग्रेशन के डेफिनेशन का हमने यहाँ पर यूज़ किया और इसको क्या मान लिया? इक्वेशन वन मान लिया है। नाउ देयरफोर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी वन। पी वन हमने एक पार्टीशन क्या ले लिया? एक्स नॉट इक्वल टू ए एक्स वन से लेकर के एक्स पी, और एक्स पी किसके इक्वल हो जाएगा? बी के। अगर इसमें हम बात करें एक्स नॉट से लेकर के एक्स पी तक कितने टर्म्स आ गए, कितने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने इसको, पी पार्ट्स में। और अगर पहली वैल्यू हम देखें तो वो ए के इक्वल होती थी, ये सब आपको बता चुका हूँ मैं पहले, और ये बी के इक्वल होती थी। अगर ए और बी को छोड़ दे तो इसके बीच में कितनी वैल्यूज और होंगी? पी माइनस वन। तो सच दैट, इसके आगे देखिए, सच दैट द अपर सम ऑफ फंक्शन पी विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी वन, दिस पी वन ये हो जाएगा लेस देन अपर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन अपॉन टू। अब ये सेकेंड इक्वेशन को आप जरा ध्यान से देखिए। अपर इंटीग्रेशन था क्या? अपर इंटीग्रेशन था जितने भी यू पी एफ आ रहे थे, जितने भी अपर सम थे, उसकी जो इन्फीमम वैल्यू थी, उस इन्फीमम वैल्यू में ये लोअर सॉरी अपर इंटीग्रेशन उसके इक्वल आता था। अब इसको मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी आपने लिया, एक पार्टीशन आपने बना लिया पी, पार्टीशन बनाया, और इसका अपर सम हम कैसे निकालते थे? इस इंटरवल की लेंथ इंटू फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू, इस इंटरवल की लेंथ इंटू फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू, उनका जो सम होता था हम यू पी एफ निकालते थे। तो हमने क्या किया, इस ए कॉमा बी के क्लोज इंटरवल के अलग अलग पार्टीशन निकाले, और अलग अलग पार्टीशन पे आप इसके अपर सम निकालते रहे, और जितने अपर सम आपने निकाले उन अपर सम में जो इन्फीमम वैल्यू होती है, उस इन्फीमम वैल्यू, या हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये जो अपर इंटीग्रेशन है, इस अपर इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 5। तो अपर इंटीग्रेशन की वैल्यू 5 होने का मतलब ये है कि इस ए कॉमा बी के आपने बहुत सारे पार्टीशन किए, इन पार्टीशंस में आपने एक पार्टीशन पी वन है, एक पार्टीशन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव, इस तरीके से पार्टीशन है। सबके आपने क्या निकाले? अपर सम निकाला, इसका भी अपर सम, इसका भी अपर सम, हर एक पार्टीशन का आपने क्या किया? अपर सम निकाला। और अपर सम निकालने के बाद इन अपर सम में जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, उस सबसे छोटी वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? इन्फीमम बोलते हैं। और वो जो इन्फीमम वैल्यू आएगी, वो इन्फीमम वैल्यू ही इसके अपर इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। तो सपोज इन ये जो जितने अपर सम आपने निकाले, इन अपर सम में इसकी वैल्यू 5 आ रही है, इसकी 6 आ रही है, इसकी 8 आ रही है, इसकी 9 आ रही है, हर एक पार्टीशन पे आपने वैल्यूज़ निकाली। अब है क्या, ये 5 है और ये भी 5 है, यानी कि इन्फीमम वैल्यू जो है वो P1 के रिस्पेक्ट में आ जा रही है, P1 पार्टीशन के रिस्पेक्ट में आ रही है। अब अगर इस P1 पार्टीशन में
और इस अपर इंटीग्रेशन में आप देखें, अगर इस अपर इंटीग्रेशन 5 में अगर मैं एक बहुत छोटा सा नंबर भी ऐड कर दूं, तो ये जो अपर इंटीग्रेशन है वो इस पार्टीशन के अपर सम से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 5 है, ये 5 पॉइंट समथिंग या 5 से बड़ा आएगा जो भी आएगा। तो ये जो पी वन पार्टीशन है, इस पी वन पार्टीशन के रिस्पेक्ट में जो अपर सम आ रहा है, ये जो अपर सम है, ये अपर सम क्या हो जाएगा, ये अपर सम इसमें अगर आप इस अपर इंटीग्रेशन में अगर आप बहुत छोटी सी वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अपर सम से बड़ी हो जाएगी। आई थिंक ये एग्जांपल लेके आपको अब आप समझ गए होंगे। तो अलग अलग पार्टीशन में जितने पार्टीशन आपने निकाले उनके अपर सम में जो इन्फिम वैल्यू होती है वही अपर इंटीग्रेशन के इक्वल होती है। तो कोई ना कोई पार्टीशन एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो पार्टीशन अगर हम इस अपर इंटीग्रेशन में एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी ऐड करते हैं, तो उस एडिशन करने के बाद जो ये वैल्यू आएगी वो इस पार्टीशन से क्या हो जाएगी, इस पार्टीशन के अपर सम से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर हमने 2 मान ली। अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद आप देखिए, ये जो पार्टीशन P1 था, द पार्टीशन P1 हैज, P1 में मैंने आपको बताया था जो पार्टीशन हमने P1 लिया था, इसमें A और B को छोड़कर के कितनी वैल्यूज और बच रही थी, P-1 पॉइंट्स अदर देन A एंड B, A और B को छोड़कर के P-1 वैल्यूज और हैं इसमें। अब हम क्या करते हैं, लेट अस चूज अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट 2K P-1 डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2। इक्वेशन नंबर 3। K क्या था, K था फंक्शन की जितनी वैल्यूज आ रही हैं उन सारी वैल्यूज में सबसे बड़ी वैल्यू है K, उससे बड़ी वैल्यू फंक्शन की नहीं आ रही है। P-1 क्या है, P-1 वो है जितने पार्टीशन हमने लिए थे उन पार्टीशन में, सॉरी जो पार्टीशन हमने P1 लिया था उसमें A और B को छोड़ करके जितनी वैल्यूज हैं वो P-1 आ रही थी, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और एक डेल हमने एक पॉजिटिव क्वान्टिटी ऐसे ली है जो जीरो से, पॉजिटिव क्वान्टिटी ली है जीरो से बड़ी, इन सब का मल्टीप्लीकेशन हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन बाय 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हमने इसी वैल्यू को हमने एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिया। देखिए स्टूडेंट्स, जो डेल हमको कंसिडर करना है वो डेल कंसिडरेशन हम पे डिपेंड करता है कि हम उस क्वांटिटी को कितना छोटा ले रहे हैं, किस एप्सिलॉन को हम कितना छोटा ले रहे हैं। तो ये जो डेल है और ये जो एप्सिलॉन है इसको आप एज स्मॉल एज कंसिडर कर सकते हो। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम ये वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हमको, हमने ये वैल्यू कंसिडर कर ली, के क्या है फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही थी वो, उसका ट्वाइस, P-1 क्या था जो हमने पार्टीशन लिया था उसमें A और B को छोड़ करके जितनी वैल्यूज बच रही थी वो P-1 है, और डेल क्या है, एक जीरो से बड़ी एक कोई वैल्यू है, इसको हमने किसके इक्वल ले लिया, एप्सिलॉन बाय 2। एप्सिलॉन बाय 2 ये है, तो ये एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन और डेल जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे तभी ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई हो पाएगा। और इसमें एक चीज़ आपको जो क्वेश्चन पहले से दिया हुआ था कि ये जो डेल है वो क्या है, पार्टीशन पी की नॉर्म जो है वो डेल से छोटी आ रही थी, यानी कि जो भी पार्टीशन हम पी लेने जा रहे हैं वो पी में जितने भी सब इंटरवल बनेंगे उसमें जो सबसे बड़ा सब इंटरवल होगा वो भी डेल से छोटा होगा। तो ये डेल वो वैल्यू है, P-1 मैंने आपको बताया कि क्या था फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू। अब आते हैं आगे। अब देखिए, इफ ये जो पार्टीशन हमने अभी अभी लिए हैं, हमने कौन कौन से पार्टीशन ले लिया, एक P1 लिया हुआ है और एक P पार्टीशन आपको दिया हुआ है पहले से, P2 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं P union P1। इसका मतलब क्या हो गया, P2 इज अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P and P1। रिफाइनमेंट क्या होता है ये भी मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ, और रिफाइनमेंट में मैंने रिफाइनमेंट जब बताया था तब आपको एक थ्योरम मैंने करवाई थी कि जो रिफाइनमेंट जो है, रिफाइनमेंट का जो अपर सम होगा वो जिसका भी वो रिफाइनमेंट होगा, ये रिफाइनमेंट पी का भी रिफाइनमेंट है और P1 का भी रिफाइनमेंट है,
तो जो रिफाइनमेंट का अपर सम आता है वो छोटा होता है किससे, वो जिसका रिफाइनमेंट है, मतलब पी टू क्या है, पी से भी बड़ा है और पी टू क्या है, पी वन से भी बड़ा है, और ये पी टू जो है पी को भी कंटेन करेगा और पी वन को भी कंटेन करेगा। तो एक रिलेशन मैंने इससे पहले के वीडियोज़ में ये प्रूव कराया था कि रिफाइनमेंट का अपर सम जो है ये इनसे क्या होगा, दोनों के अपर सम से क्या आएगा, छोटा आएगा। और ये जो अपर सम ये पी से भी छोटा आएगा, पी टू वाला जो रिफाइनमेंट है, और किससे छोटा आएगा, पी वन से भी। तो हमको पी वन की रिक्वायरमेंट है, और ये पी वन का अपर सम यहाँ देखिए आप किससे छोटा है, ये है एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो ये हमने इक्वेशन 2 का भी यहाँ पे यूज़ कर दिया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए आप, अगर मैं अपर सम पी के रिस्पेक्ट में अपर सम निकालूं, इससे मैं वो वैल्यू माइनस कर दो जो मैंने अभी जिसको एप्सिलॉन बाय 2 लिया था, 2 के p-1 del, तो इस क्वांटिटी में और इस क्वांटिटी में क्या रिलेशन होगा। पी टू क्या है, पी टू पी को कंटेन कर रहा है, और एफ एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, एफ एक्स का मॉड किससे छोटा है, के से छोटा है। एफ एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, के है। यू पी एफ क्या है, इस फंक्शन पी का जो पी पार्टीशन हमने लिया है, इस पार्टीशन में जो अपर सम होगा वो अपर सम क्या है, यू पी एफ है। इस यू पी एफ से हम क्या माइनस कर रहे हैं, 2 के, के क्या है फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, और पी माइनस वन क्या थे, वो पॉइंट्स जो ए और बी को छोड़ करके बच रहे थे। और डेल क्या था, डेल है पी पार्टीशन जो हमने लिया हुआ है, इस पार्टीशन में कोई भी सब इंटरवल की लेंथ डेल से बड़ी नहीं हो सकती, यानी कि सारी वैल्यूज डेल से छोटी हैं। इन सब का मल्टीप्लीकेशन जो है हम उसको माइनस कर रहे हैं यू पी एफ से। अब यू पी टू एफ क्या था, पी टू क्या है, पी को भी कंटेन कर रहा है और पी वन को भी कंटेन कर रहा है। तो पी टू जो है वो पी को कंटेन कर रहा है, पी को कंटेन कर रहा है, तो जो पी टू का जो अपर सम आएगा वो अपर सम, और पी का जो अपर सम आएगा वो अपर सम, इन वैल्यूज में क्या रिलेशन होगा। मैंने आपको बताया कि ये जो यू पी एफ है, ये यू पी टू एफ, अभी जो मैंने थ्योरम आपको पहले जो वीडियोस में बताई थी उसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि जो अपर सम होता है रिफाइनमेंट का वो बाकी के अपर सम से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें तो कौन छोटा होगा, ये छोटा होगा। लेकिन अगर मैं यू पी एफ से ये वैल्यूज माइनस कर दूँ, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू का ट्वाइस इंटू पी माइनस वन डेल, तो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आप यू पी एफ से माइनस कर दे रहे हो। अभी क्या है, आपने क्या किया, अभी यू पी टू एफ जो है वो इससे छोटा है, लेकिन जैसे ही आप इस लेफ्ट साइड में ये माइनस कर दोगे, 2 के p-1 del, इसको माइनस कर दोगे, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी अब, क्योंकि फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आपने ले ली, उसका ट्वाइस ले लिया है, डेल ले लिया है। डेल क्या था, जो नॉर्म था, यानी कि जो पार्टीशन पी है उसमें जितने भी सब इंटरवल हैं उनकी लेंथ डेल से छोटी थी, सबसे बड़ी लेंथ भी डेल से छोटी है। तो इतनी बड़ी वैल्यू को अगर आप यू पी एफ से माइनस करोगे तो ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू का। तो ये जो कंसेप्ट है, एक तो ये वाला रिलेशन जो है वो पहले के वीडियोज में बता चुका हूँ, तो पहले आप वो उस वीडियो को ध्यान से देख लें, तब आपको ये रिलेशन यहाँ पे समझ में आएगा। और ये रिलेशन भी ध्यान से समझें, बार बार रिपीट करके अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तभी आपको ये थ्योरम समझ में आने वाली है, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट थ्योरम है डरबॉक्स थ्योरम, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मेन ये रिलेशन है इसमें। अब आप इसका और इसका यूज़ करिए, यू पी एफ माइनस 2 के p-1 del लेस देन है किससे, अपर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। और ये किसके इक्वल लिया था हमने, एप्सिलॉन बाय 2, थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर लो, यू पी एफ माइनस एप्सिलॉन बाय 2 अपर इंटीग्रेशन प्लस एप्सिलॉन बाय 2 यूजिंग 3। तो यू पी एफ क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वहाँ जाकर के ऐड हो जाएगा, तो अपर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। और यही आपको इसके फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको इसका
सेकंड पार्ट भी करना है, आप चाहें तो एग्जाम में सिमिलरली करके भी इस पार्ट को लिख सकते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे यूपीएफ के लिए मैंने कंडीशन लगाई थी, एलपीएफ के लिए कंडीशन में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे एल आ जाएगा और ये एल पी वन एफ आ जाएगा और यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी, जो कि मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये डारबॉक्स थ्योरम का प्रूफ हो गया। ध्यान से इस प्रूफ को आप देखें और इसका जो रीमैन इंटीग्रेशन के, क्योंकि काफ़ी वीडियोस में पहले भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो कुछ थ्योरम्स अभी और बची हुई हैं इस रीमैन इंटीग्रेशन पे, तो इस थ्योरम को आप बार बार प्रैक्टिस करके प्रिपेयर करें। जल्दी रीमैन इंटीग्रेशन की नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊँगा।